दोस्तों, एक आदमी ने अपने बड़े से घर की रक्षा के लिए एक कुत्ता पाला। उसके घर के दरवाजे दो तरफ से खुलते थे, आगे से कुत्ता रखवाली करता था। एक बार बैठे बैठे उस आदमी के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न पीछे के दरवाजे की रखवाली के लिए एक शेर पाल लिया जाए। फिर क्या था, वह शेर ले आया और उसे खूब मांस खिलाने लगा। समय बीतता गया। दोस्तों, कुत्ते का खर्च कम था, लेकिन वो किसी चिड़िया को भी पर नहीं मारने देता था। वही शेर सारा दिन बस सोता रहता। उन्हें पालने वाला व्यक्ति बहुत निराश हुआ। उसे शेर से जो भी उम्मीद थी वह अब नहीं रही। इसी तरह कुछ दिन बीते और एक दिन उस आदमी के घर के आगे के दरवाजे से कुछ चोर घुस आए। कुत्ते ने भौंकने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसके आगे मांस का टुकड़ा फेंक दिया। कुत्ता भौंकना बंद करके मांस का टुकड़ा खाने लगा। दूसरी तरफ पिछले दरवाजे पर बैठे शेर को आगे के दरवाजे पर कुछ अनजान लोगों की गंध आई। शेर जैसे ही वहां पहुंचा तो चोरों ने उसके सामने भी मांस का टुकड़ा फेंक दिया, लेकिन शेर ने मांस के टुकड़े को अनदेखा करते हुए उन चोरों पर हमला कर दिया। इतने में सभी घर वाले बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि उनका वफादार कुत्ता मांस का टुकड़ा खाने में व्यस्त था, और जो शेर उन्हें बोझ लग रहा था उसने सभी चोरों को जख्मी कर रखा था।